जिस देश में पैदा हुए हो तुम, अगर उस देश के भक्त नहीं पिया माँ का दूध तुमने और बाप का तुम में खून नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि हम सेना ज्वाइन करके ही देश की सेवा करेंगे। नहीं दोस्तों, हर युवा तो सेना ज्वाइन नहीं कर सकता, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम देश के साथ गद्दारी करो, देश के गद्दारों को माफ़ करो। दोस्तों, ईमानदारी से देश की सेवा की जा सकती है। सिविल में रह के, घर में रह के, गांव में रह के, शहर में रह के, देश के कोने कोने में रह के देश की सेवा की जा सकती है। दोस्तों, हर बार ये जरूरी नहीं कि एक सेना का जवान ही पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। आप सिविलियन हो, आप दोस्तों, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मैं सिविलियन हूँ, मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। दोस्तों, हालांकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ सेना की, मगर फिर भी अगर मैं सेना ज्वाइन नहीं कर पाया तो भी मैं देश की सेवा में कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। जितना मेरे से होगा उतना मैं करूंगा। दोस्तों, अभी मैं इंडियन आर्मी के इस चैनल के द्वारा लोगों की मदद करके देश की सेवा कर रहा हूँ। आप भी किसी तरीके से, अपने तरीके से देश की सेवा कर सकते हो। आप अपना एक लक्ष्य बनाए दोस्तों, उस लक्ष्य पे लगातार चलें। मेरे को पता है इस YouTube चैनल में अधिकतर इंडियन आर्मी से जुड़े हुए बंदे हैं, तो दोस्तों, आप यकीनन कामयाब होंगे। आप जरूर इंडियन आर्मी ज्वाइन कर पाओगे, लेकिन किसी कारणवश अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो दोस्तों, आप हताश, निराश और परेशान ना हो। आप किसी और क्षेत्र में जाके अपने आप को ऊपर रखें, अपने टैलेंट को आगे लाएं। दोस्तों, यकीनन आप जरूर कामयाब होंगे। और दोस्तों, सेना ज्वाइन करने का तो केवल और केवल 3 फॉर्मूले हैं दोस्तों। सबसे पहला फॉर्मूला है, आपको फिट रहना होगा। दोस्तों, फिट रहने के लिए आपको डेली रनिंग करनी होगी। दोस्तों, रनिंग करने के बाद में दूसरे नंबर का अहम पड़ाव आता है, वो आता है दोस्तों मेडिकल। दोस्तों, अगर आप मेडिकल फिट हो तो आप दोस्तों यकीन मानो जरूर जरूर इंडियन आर्मी ज्वाइन कर पाओगे। मेडिकल फिट होने के बाद में तीसरा चरण आता है रिटन एग्जाम का। दोस्तों, अगर आपने इन तीनों चरणों को पास कर लिया तो आप आसानी से इंडियन आर्मी ज्वाइन कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, बहुत से भाई लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो वो ही हताश ना हो, परेशान ना हो। दोस्तों, लगातार प्रैक्टिस करते जाएं, आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी कोई मेडिकली अनफिट हो जाता है तो दोस्तों, अपने मेडिकल में सुधार करें। अगर आपके मेजर प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मैं ज्वाइन कर ही नहीं सकता, तो दोस्तों, आप फिर भी हताश ना हो, परेशान ना हो। आप किसी और क्षेत्र में जाके अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। दोस्तों, यकीन मानो आप जरूर कामयाब होंगे और जो आपका सपना है वो जरूर पूरा होगा। मुझे पता है दोस्तों, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो दोस्तों, बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी जो सिविल में नौकरियां आती है, जैसे पुलिस हो गई, इसके अलावा और भी जो भी सिविल के अंदर जॉब आती है, उनके लिए आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन हताश, परेशान और निराश ना हो दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको इसी प्रकार इस चैनल में मोटिवेट करता ही रहूँगा। दोस्तों, मैंने चैनल ही इसी मकसद से बनाया है कि आप जैसे भाइयों की कुछ मदद कर पाऊं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।